स्टूडेंट, आज जो है वास्कुलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। हम लोग से होता है स्टूडेंट टिश्यू सिस्टम को जो होता है कि स्टार्ट किए थे, और टिश्यू सिस्टम में आपका मैं एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम मैं पढ़ा दिया हूं। एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम मैं पढ़ा दिया हूं स्टूडेंट, ठीक है। आप चाहे थे इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उस पे जाकर के आप देख सकते हैं। टिश्यू सिस्टम में आपको एपिडर्मल में पढ़ा दिया हूं। अब जो होता है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्योंकि थ्री टाइप्स का जो होता है कि टिश्यू सिस्टम में बताया था आपको, एक एपिडर्मल था, एक आपका ग्राउंड था, और एक आपका जो होता है वास्कुलर था, ठीक है। सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड की जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये है आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या है आपका? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है स्टूडेंट, ठीक है, या फिर इसको आप जो होता है वास्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या है, जो वास्कुलर सिस्टम होता है आपका, बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोग वास्कुलर बंडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वास्कुलर बंडल की बात करते हैं। अब वास्कुलर बंडल क्या है स्टूडेंट? वास्कुलर बंडल का मतलब यह है कि जाइलम और प्लस फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम को स्टूडेंट होता है वास्कुलर बंडल कहते हैं हम लोग, शॉर्टकट में इसको बीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं? वास्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, ये जो वास्कुलर सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि कुछ जो होता है टर्मिनोलॉजी आएंगी, कुछ टर्म है जिसको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या है कि अगर हम लोग रूट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रूट की। तो रूट में देखिए क्या है कि जाइलम जो होता है आपका प्लस आपका फ्लोएम का अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या स्टूडेंट इसमें कि जैसे मैं बोला हूं कुछ टर्म जानना जरूरी है आपका। अगर मान लीजिए एक टर्म में बता रहा हूं आपको रेडियल बंडल, रेडियल बंडल किसको आप कहेंगे? ये जो जाइलम फ्लोएम देख रहे हैं इसी के पोजीशन, इसी के लोकेशन के बेस पे स्टूडेंट जो होता है टर्म आपका आएगा। देखिए रेडियल बंडल किसको कहते हैं? रेडियल बंडल में होता है क्या स्टूडेंट, जो जाइलम होते हैं प्लस जो आपका फ्लोएम होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का जो होता है स्टूडेंट पोजीशन अगर देखा जाए तो एट डिफरेंट रेडियस, ठीक है स्टूडेंट। कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट रेडियस पे हो, अलग अलग रेडियस पर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियल बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल बंडल। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो देखिए क्या मैं बता रहा हूं। ये मान लीजिए आप जो होता है कि रूट का जो होता है कि आपने क्या किया है, टीएस लिया है सपोज डेट। इसमें देखिए क्या, यहां पर इस तरीके से आपका वास्कुलर बंडल लगे हुए हैं, ये आपका क्या है? वास्कुलर बंडल लगा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पे मैं कह रहा हूं जाइलम है, ये मैं कह रहा हूं फ्लोएम है, ये मैं कह रहा हूं जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग रेडियस पे अलग अलग, यानी कि इस रेडियस पे स्टूडेंट जाइलम है, यहां पर फ्लोएम है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियल बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम का पोजीशन जो होता है स्टूडेंट जो होता है डिफरेंट रेडियस पर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियल बंडल कहते हैं। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कि इसी में प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ है, प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। अगर प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ स्टूडेंट देख रहे हैं, मेटाजाइलम अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो इसको हम एक टर्म देते हैं
उस टर्म को कहते हैं एग्जॉस्ट कंडीशन। क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट कंडीशन मींस ए की प्रोटोजाइलम जो होता है स्टूडेंट ये बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जो जाइलम है, जाइलम में दो चीज बता रहा हूं, एक प्रोटो बता रहा हूं और एक आपको मेटा बता रहा हूं, ठीक है, यानी मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो होता है ऊपर की तरफ और मेटाजाइलम नीचे की तरफ है, इस तरह से कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट कंडीशन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। यहां डायग्राम बना दे रहा हूं एक और देखिए। मान लीजिए यह है आपका बस मंडल है, यहां पर जो होता है अगर मान लीजिए कि मेटाजाइलम है और यहां पर प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ हो गया, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट, यह मेटाजाइलम हो गया, यह आपका क्या हो गया? मेटाजाइलम हो गया और ये आपका जो होता है प्रोटोजाइलम हो गया। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इसको जो होता है स्टूडेंट हम कहेंगे इंडार्स कंडीशन। इंडार्स कंडीशन कहते हैं, क्या कहेंगे? इंडार्स कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अगर मेटाजाइलम ऊपर की तरफ है और प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ है आपका तरफ, अगर प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ है मेटाजाइलम नीचे की तरफ है तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्ट कंडीशन। इसको हम क्या कहेंगे? इंडार्स कंडीशन कहेंगे। तो स्टूडेंट देखिए रेडियल बंडल किसको कहते हैं? रेडियल बंडल क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है एट डिफरेंट रेडियस पर है तो उसको हम रेडियल बंडल कहते हैं, ठीक है। प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ है मेटाजाइलम नीचे की तरफ है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम एग्जॉस्ट कंडीशन कहेंगे। अगर मान लीजिए मेटाजाइलम ऊपर की तरफ है प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ है जिसको हम क्या कहते हैं? इंडार्स कंडीशन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियल बंडल। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या एक है आपका कंजॉइंट किसको कहते हैं? ये टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि टर्मिनोलॉजी से ही जो होता है स्टूडेंट जब सेक्शन आप पढ़ते हैं, ठीक है, टीएस या फिर जो होता है एलएस सेक्शन काट के आप देखते हैं स्टेम का रूट का, ठीक है, लीफ का, तो उसमें आपको इसी टर्म के बेस पे स्टूडेंट होता है कि बताया जाता है और इसी के बेस पे डिस्क्राइब किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्या कंजॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? सेकेंड कंजॉइंट देखिएगा, कंजॉइंट किसे कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम जस्ट उसका अपोजिट होगा। किसका? रेडियल का। रेडियल का जस्ट अपोजिट होगा। देखिए क्या, जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है, एट सेम रेडियस। क्या स्टूडेंट? सेम रेडियस है। वहां पे क्या था? वहां पर स्टूडेंट जो होता है कि आपका डिफरेंट रेडियस था, यहां पे क्या है? सेम रेडियस है। बट ध्यान रखिएगा, बट फ्लोएम इज आउटर होना चाहिए। हमेशा क्या होगा? फ्लोएम क्या होगा स्टूडेंट? आउटर होगा, ठीक है। यानी कि कंजॉइंट हम किसे कहेंगे? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कब कहेंगे? जब जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम रेडियस पर हो स्टूडेंट, ठीक है, किस पे हो? सेम रेडियस पर हो। बट फ्लोएम क्या होगा स्टूडेंट? जो होता है कि आपका आउटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लोएम हमेशा आपका आउटर होना चाहिए यानी बाहर की तरफ होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंजॉइंट कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? हम उसको कंजॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजॉइंट कहेंगे। अब इसके बेस पे देखिएगा कि अगर मान लीजिए, जैसे देखिए क्या इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, मान लीजिए टीएस है आपका, ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल ले लीजिए आप, तो देखिए फ्लोएम इज आउटर है ना, ठीक है, जाइलम यानी कि ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया और ये आपका जाइलम हो गया। तो आप देखिए क्या है, ये आउटर है, ये क्या आपका आउटर है, ये आपका क्या है? आउटर है। और दोनों आउटर पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? वह है आपका फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम, ठीक है। तो आपको कंजॉइंट क्या कहते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम जो होता है रेडियस पे है, ठीक है, अगर ये सेंटर मान लीजिए आपका, ये देखिए सेम रेडियस में आपको फ्लोएम भी मिला और आपको जाइलम भी मिल रहा, बट क्या इसमें फ्लोएम जो होता आउटर है, ठीक है, फ्लोएम देखिए क्या है आपका? आउटर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? कंजॉइंट हुआ। क्या हुआ? कंजॉइंट हुआ। अब मान लीजिए एक मैं बता दे रहा हूं स्टूडेंट आपको कि यह है आपका वैस्कुलर बंडल, यह है आपका फ्लोएम और यह है आपका जाइलम। अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में स्टूडेंट होता है कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या है?
कैम्बियम अगर प्रेजेंट है स्टूडेंट, क्या है कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या टर्म देते हैं, इसको हम ओपन कहते हैं, ओपन वास्कुलर बंडल। क्या कहेंगे, ओपन वास्कुलर बंडल आपका है। अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तब, अगर मान लीजिए जाइलम है ठीक है या फिर फ्लोएम है, इनके बीच में स्टूडेंट्स होता है कैम्बियम अब्सेंट, यानी लिख सकते हैं नो कैम्बियम। अगर कैम्बियम होता है स्टूडेंट इनके बीच में अब्सेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। क्या कहेंगे, क्लोज वास्कुलर बंडल। तो टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट समझने की जरूरत है आपको, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने बताया कि वास्कुलर सिस्टम में हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं, यानी कि वास्कुलर बंडल की बात करते हैं। बट क्या है स्टूडेंट कि जो वास्कुलर बंडल आप देख रहे हैं इसमें मैं कुछ टर्म बता रहा था रेडियस के बेस पे। जैसे रेडियल वास्कुलर बंडल अगर कहा जाए आपसे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं एट डिफरेंट रेडियस पर, ठीक है। तो उसको आप क्या कह रहे थे, रेडियल बंडल कह रहे थे, ठीक। और उसके बाद देखिए क्या कंजॉइंट किसको कह रहे हैं, कंजॉइंट का मतलब क्या, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट सेम रेडियस बट क्या है कि फ्लोएम इज आउटर, ठीक है स्टूडेंट। फ्लोएम क्या आपका आउटर है, इसको हम क्या कहते हैं, कंजॉइंट कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि ओपन वास्कुलर बंडल कब कहेंगे, ओपन वास्कुलर बंडल तब कहेंगे जब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अब्सेंट है स्टूडेंट तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज वास्कुलर बंडल है आपका, क्या है, क्लोज वास्कुलर बंडल है, ठीक है। अब देखिए अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, इसको टर्म देते हैं एग्जॉर्ज कंडीशन। अगर मान लीजिए होता है कि आपका जस्ट अपोजिट इसी का देख लीजिए कि मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो जाए, प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ हो जाए अंदर की तरफ, उसको हम टर्म देंगे इंडार्स कंडीशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, इंडार्स कंडीशन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग इंडार्स कंडीशन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इंडार्स कंडीशन कहेंगे। तो ये फाइनली क्या स्टूडेंट्स होता है कि वास्कुलर सिस्टम है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए क्या आपको छह सेक्शन टोटल पढ़ने स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, छह सेक्शन पढ़ना है। कौन कौन से सेक्शन है देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बस आप स्टूडेंट्स होता ध्यान से सुनते जाइए, हर एक पॉइंट हर एक टर्म जितने टर्म है स्टूडेंट सब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आप अच्छे से सुनिए, उसको जो होता नोट डाउन कीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। और फिलहाल को अगर कोई दिक्कत होता तो आप कमेंट करके स्टूडेंट्स होता आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए जैसे क्या है, मैं कह रहा हूं कि ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, यानी कि जो टीएस जिसको कहते हैं, टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन, टोटल जो होता सिक्स हमको पढ़ना है इस चैप्टर में एनाटॉमी ऑफ फ्लावर प्लांट्स में। कौन कौन से देखिए, पहला है स्टूडेंट आपका डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट का टीएस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको मोनोकॉट, मोनोकॉट रूट का पढ़ना है, ठीक है। थर्ड है आपका डाइकॉट का स्टेम का टीएस पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ है आपका मोनोकॉट का स्टेम का टीएस पढ़ना है आपको। उसके बाद है स्टूडेंट फिफ्थ आपका डाइकॉट का लीफ पढ़ना है, लीफ का टीएस पढ़ना है। उसके बाद आपका पढ़ना है मोनोकॉट का लीफ का जो होता है स्टूडेंट टीएस पढ़ना है, ठीक है, यानी कि डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब देखिए क्या है, जो डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ये ध्यान से देखिएगा, डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों का जो रूट होता है स्टूडेंट इसमें क्या होगा, रेडियल होगा एंड एग्जॉर्ज कंडीशन होगा। अब देखिए टर्म आ गया ना एग्जॉर्ज कंडीशन, कौन सा है, एग्जॉर्ज कंडीशन। एग्जॉर्ज कंडीशन में क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, रेडियल बंडल की बात कर रहा है, रेडियस कंडीशन की बात कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होंगे। यहां पे आइए डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम में, तो इसमें देखिए क्या आपका, इसमें जो होता है आपका जो डाइकॉट स्टेम है स्टूडेंट इसमें आपको कंजॉइंट मिलेगा, ये डिफरेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसमें ओपन मिलेगा,
क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा। उसके बाद मोनोकॉर्ड स्टेम में आइएगा, मोनोकॉर्ड स्टेम में आपको कंजॉइंट मिलेगा बट क्लोज मिलेगा। क्या मिलेगा, कंजॉइंट मिलेगा लेकिन क्लोज मिलेगा, ये डिफरेंस हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, डाइकॉट लीफ में आइएगा, डाइकॉट लीफ में आपको मिलेगा कंजॉइंट। उसके बाद जो होता है कि आपका कंजॉइंट मिलेगा डाइकॉट लीफ में और क्लोज मिलेगा, क्या मिलेगा आपका, क्लोज मिलेगा। इसमें आ जाइएगा, इसमें भी कंजॉइंट मिलेगा और क्लोज मिलेगा, यानी कि दोनों सेम है। ठीक है, देखिए क्या है, जो डाइकॉट रूट है मोनोकॉट रूट है इन दोनों में रेडियल एंड एक्सचार्ज कंडीशन मिलता है स्टूडेंट। जो आपका डाइकॉट स्टेम है इसमें कंजॉइंट ओपन टाइप का मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम में कंजॉइंट क्लोज टाइप का मिलेगा, डाइकॉट लीफ में एंड मोनोकॉट लीफ में स्टूडेंट कंजॉइंट एंड क्लोज मिलता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट फाइनली जो होता है कि टिश्यू सिस्टम जो होता है, मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, टिश्यू सिस्टम के बारे में बता दिया, मैंने एपिडर्मल जो होता है कि सिस्टम बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि आपका वस्कुलर सिस्टम हो गया। ठीक है, टिश्यू सिस्टम में क्या, यानी कि जो आपका वस्कुलर सिस्टम है इसको मैंने आपको बता दिया। अब आपका एक है ग्राउंड सिस्टम, क्या है आपका, ग्राउंड सिस्टम है। तो देखिए क्या स्टूडेंट, ग्राउंड सिस्टम में क्या होता है, ग्राउंड सिस्टम देख लीजिए, उसके बाद होता है फिर हम लोग सेक्शन पे आते हैं। ग्राउंड सिस्टम तीन सिस्टम मैंने आपको बताया था, कौन कौन सा, एक आपका एपिडर्मल और एक आपका जो होता है कि वस्कुलर हो गया और एक आपका क्या स्टूडेंट, ग्राउंड सिस्टम है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, देखिए क्या होता है इसमें, ग्राउंड ये आपका थर्ड है, क्या है, थर्ड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसमें देखिए क्या स्टूडेंट, जो ग्राउंड तीनों में से अगर हम बात करेंगे तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है यह आपका जो होता है कि लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है, इट इज लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम। तीनों में से क्या है, ये लार्जेस्ट जो होता है स्टूडेंट टिश्यू सिस्टम होता है। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें आपको जो होता है कि हाइपोडर्मिस लेयर मिलेंगे, हाइपोडर्मिस इंक्लूड्स होगा, कॉर्टेक्स मिलेगा, एंडोडर्मिस मिलेगा, उसके बाद आपका पेरिसाइकिल मिलेगा, क्या आपका पेरिसाइकिल मिलेगा। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स होता है इसे मेडुलरी रे भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ सिंपल टिश्यू है आपका, सिंपल टिश्यू में क्या है, जो सिंपल टिश्यू की बात करते हैं, सिंपल टिश्यू में आपका पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा मिलेगा, कोलेन्काइमा मिलेगा, उसके बाद आपका स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा, क्या मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या स्टूडेंट कि ये आपका क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, इससे बहुत ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या है, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि तीनों में से क्या है कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है लार्जेस्ट आपका टिश्यू सिस्टम है। इसमें हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल्स प्लस मेडुलरी रे का लेयर मिलेगा। सिंपल टिश्यू में आपका पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा सब मिलेंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका थर्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मैंने आपको जो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मैंने आपको जो होता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, मैंने आपको जो होता है स्टूडेंट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा दिया। ये फाइनली आपका टिश्यू सिस्टम खत्म। अब स्टूडेंट जो होता है कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि उसमें जो होता है स्टूडेंट हम लोग डाइकॉट रूट को देखेंगे, मोनोकॉट रूट का देखेंगे, क्या डिफरेंसिएशन है देखेंगे, इसी तरीके से डाइकॉट स्टेम देखेंगे, मोनोकॉट स्टेम देखेंगे स्टूडेंट। फिलहाल जो होता है इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट किसी को भी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।